नमस्कार, इस वक्त न्यूज लाइव राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जोधपुर के इस डॉक्टर ने पार की सारी हदें, नाबालिग से कर डाली घिनौनी हरकत। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन जोधपुर में एक डॉक्टर ने अपने पेशे को भुलाकर एक नाबालिग से घिनौनी हरकत कर डाली। यहाँ के पाल लिंक रोड स्थित निजी अस्पताल के चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग के परिजनों ने देवनगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर की इस हरकत के खिलाफ परिजनों में बड़ी संख्या में समाज के लोग थाने पहुंचे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस के अनुसार नाबालिग पिछले काफी समय से इस निजी अस्पताल के चिकित्सक से इलाज ले रही है। इससे पहले भी वो कई बार अपने माता पिता के साथ डॉक्टर से सलाह लेने गई थी, लेकिन आज वो अकेले ही रूटीन चेकअप और आगे के उपचार के लिए गई। नाबालिग का आरोप है कि उसे अकेला पर डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गलत तरीके से छुआ। विरोध करने पर वो अभद्रता करने लगा। पीड़िता ने इसकी शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पहले भी डॉक्टरों पर लगे हैं आरोप। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसी साल मई माह में भरतपुर के थाना मथुरा गेट में एक महिला ने चिकित्सक पर इलाज के नाम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि उसके पेट में दर्द था और वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, जहां राजेंद्र नगर निवासी डॉक्टर अशोक वर्मा ने इलाज के नाम पर उसकी गलत तरीके से जांच करने लग गया। महिला ने घटना के बाद परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे। उधर चिकित्सक ने भी महिला के परिजनों पर परस्पर पर तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज करवाया था।